सोलन में उद्योगपति के साथ एक और धोखे का मामला सामने आया है, जिसमें बद्दी के एक उद्योगपति ने सोलन में सुबाथू के समीप लीज पर लिए उद्योग आरंभ किया था, जिस पर करोड़ों रुपए उद्योगपति ने लगाकर करीब 70 बेरोजगारों को रोजगार भी दिया था। इस दौरान उसे ज्ञात हुआ कि भूमि मालिक ने उसे बगैर बताए न केवल जमीन की लीज डीड कैंसिल कर दी है, बल्कि उस जमीन को आगे बेच भी दिया है, जिसकी वजह से वे उद्योग बीच मझधार में आ गया है, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में दर्ज कराई और धोखाधड़ी का केस भी बनाया है। कंपनी के निदेशक छगनलाल ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि एक तरफ सरकार उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश करने के प्रति प्रेरित करती है, लेकिन दूसरी ओर हिमाचल के लोग निवेशकों के साथ इस तरह का धोखा कर रहे हैं जो उद्योगपतियों के हित में नहीं है, और इस वजह से वे बेहद परेशान हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि जिन लोगों ने उनको धोखा दिया है उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मैं छगनलाल, डायरेक्टर क्योर हेल्थ फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, विलेज रायपुर से हूँ। हमने ये फैक्ट्री अगस्त 2018 में परचेज की थी, जिसकी ज़मीन की लीज थी 31 साल, 2018 तक वैलिड है। इनकी जमीन के मकान जमीन के मालिकों ने मिल करके इस लीज को कैंसिल करवा दिया और किसी दूसरे बंदे के नाम से ट्रांसफ़र करवा दिया। हम इसके लिए काफ़ी परेशान हैं, हमारे लेबर इसमें लगे हुए हैं, वर्कर्स हैं 60 से 70, वो लोग परेशान हो रहे हैं। इधर गवर्नमेंट बोलती है इन्वेस्टमेंट करो, इधर हमें लोग परेशान कर रहे हैं, हम काफ़ी परेशान हैं। इन दोनों इसके हम चाहते हैं कि इसको ज़मीन जो कैंसिल की है उसको रिस्टोर की जाए और हमें आगे से इसको परेशान नहीं किया जाए। इसमें जिसने कंपनी की तरफ से जो बंदा गया साइन किया है वो इसको हम नहीं जानते हैं, ना हमारी कंपनी का बंदा है ना हमारे कोई लेन देन है उससे। उसने फर्जी बन के साइन कर दिए कंपनी की तरफ से और इसको कैंसिल करवा दीजिए।